नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल में लगातार सियासी वार जारी है। पॉलिटिकल वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है, खबर महागठबंधन में टेंशन को लेकर है। दरअसल महागठबंधन की अलायंस पार्टी हम ने सवाल खड़ा किया है तेजस्वी यादव के सीएम के चेहरे पर। हम के नेता रिजवान अहमद ने कहा है कि तेजस्वी आरजेडी के चेहरा हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन के नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पार्टी के नेता दानिश रिजवान सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी के सीएम पद के चेहरे पर। दानिश रिजवान ने ये भी कहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को हार मिली बिहार में, उस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में भी महागठबंधन की हार हो सकती है। वजह उन्होंने बताया सीएम पद के चेहरे को लेकर। दानिश रिजवान ने कहा कि अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हुई है, सीएम पद के चेहरे तय नहीं हुए हैं। ये तय नहीं हुआ है कि महागठबंधन का नेता कौन है। तेजस्वी को निशाना पर लेते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी आरजेडी के नेता हैं, लेकिन वे महागठबंधन के नेता नहीं है। महागठबंधन का नेता कौन होगा ये महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय होगी। जिस तरह से दानिश रिजवान यानी कि महागठबंधन की अलायंस पार्टी हम के नेता ने आरजेडी पर सवाल किया है, देखिए सबसे पहले आप दानिश रिजवान का पूरा बयान सुनिए। देखिए दो तीन चीजें बड़ी साफ है। महागठबंधन का नेता कौन होगा ये महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होगा, और राष्ट्रीय जनता दल के कुछ तानाशाह नेताओं की वजह से अभी तक महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, जिससे ये बताना मुश्किल है कि हमारा नेता कौन होगा। और इसी बात की चिंता महागठबंधन के तमाम एलाई पार्टियों को है कि विधानसभा चुनाव सर पर है और अभी तक राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये पहल नहीं किया जा रहा है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। इससे कहीं ना कहीं से जिस तरीके से हमारी बुरी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, वैसी हार विधानसभा चुनाव में भी हो सकती है। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल को पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके विधानसभा चुनाव में हमारा नेता कौन होगा इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। अगर लेट होता है तो ये महागठबंधन के लिए घातक फैसला होगा। तेजस्वी यादव जी का जहां तक सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव जी को अपना नेता बताया है। तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन ने नेता होने का मुहर नहीं लगाया है। वो तभी लगेगा जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। अभी तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता नहीं है। तो आपने सुना कि दानिश रिजवान की जुबान पर तेजस्वी का नाम है और सीधे तौर पे कहे कि आरजेडी दानिश रिजवान के निशाने पर है, और वे कह रहे हैं कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा महागठबंधन से अभी तक तय नहीं है। लेकिन आरजेडी के कुछ नेताओं की वजह से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अब तक नहीं हुई है और इस वजह से बिहार में महागठबंधन का चेहरा तय नहीं हुआ है, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। यानी कि विधानसभा चुनाव में भी उनका कहना है कि महागठबंधन की हार हो सकती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ जुड़े रहें, यहां लगातार अपडेट जारी है। अगर अभी तक आपने YouTube पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर Facebook पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।